राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी आणि अदानींना लक्ष्य केल्यानंतर लगेच भाजपाचे रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोपांना प्रतिउत्तर देखील दिला। दरम्यान भाजपचे रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत गांधींच्या आरोपांना नेमका काय उत्तर दिलं ते आपण पाहूया। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है, हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है, हम हारेंगे लोकतंत्र खराब है, हम जीतेंगे चुनाव आयोग ठीक है, हम हारेंगे चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है, अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है, ये उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर ये नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए, और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। ये बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब ये फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया, और वहां केस हुआ। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।